ये दोस्तों वहाँ पे लगा हुआ था, देखिए एक हमारा डायोड है वो इसमें दोनों तरफ से बाजार मार रहा था। ये हमारा रेड प्रॉट और ब्लैक प्रॉट, देखिए दोस्तों 572 आ रहा है रीडिंग, और उसी को मैं इधर से इधर चेंज कर दूंगा। चेंज करने से भी ये रीडिंग आएगा तो डायोड ख़राब है। तो देखिए दोस्तों मैं अभी उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। इधर एनोड है और इधर कैथोड है, देखिए। तो सोल्डिंग पेस्ट लेके मैं अभी वहाँ उसी को, ये जो डायोड है उसको मैं सोल्डिंग करने वाला हूँ। इसमें लगा हुआ था SMD वाला डायोड है, तो मैं अभी उसी को एक जनरल डायोड की लगा रहा हूँ दोस्तों। जनरल डायोड भी काम में आएगा, देखिए। ये डायोड लगा दिया दोस्तों। इधर से पहले बजर मार रहा था, देखिए अभी इधर से और बजर नहीं आएगा, देखिए इधर से बजर नहीं आएगा। हमारा ग्राउंड है, एक कैपेसिटर का ग्राउंड इधर से ही आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। देखिए ये वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव है। तो ऐसे अभी इंस्टॉल कर दूंगा, देखिए ये थोड़ा सा सावधान भरा चीज़ है दोस्तों। जो 25 टांग या 25 पिन जब तक सही ढंग से नहीं निकलेगा तब तक आप सोल्डिंग मत करना है, देखिए। फिर भी इधर एक पिन नहीं घुसा है, देखिए दोस्तों। ये पिन नहीं घुसा है, तो भी हमको ये डालना पड़ेगा, देखिए। ये सब पिन निकाल चुका हूँ दोस्त, और अभी उसको थोड़ा सा पेस्ट डालूँगा। पेस्ट डालने के बाद इसमें सोल्डिंग कर दूंगा। धीरे धीरे ये वाला सोल्डिंग करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए। इतना सावधानी से मैं इसको सोल्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ये सावधानी से नहीं करे बोलते कहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, तो ये वाला बात में दिक्कत में आएगा, देखिए। देखिए उसको साफ करने के लिए थोड़ा सा फिलहाल
फिनोल लाना पड़ेगा। देखिए छोटा सा एक ब्रश में फिनोल लेके पहले साफ कर दूंगा, साफ करना तो पड़ेगा दोस्तों। देखिए अभी कैसे बारीक से मेरा शोल्डिंग भी अच्छा से दिख रहा है दोस्तों। हो गया अभी तो, अभी मैं उसको वहाँ पे जो हीटसिंग है दोस्तों, ये हीटसिंग थोड़ा लेने के बाद पहले तो मैं उसको जो पॉजिटिव पॉइंट है, देखिए हमारा सप्लाई पॉइंट है, पहले देखूंगा कि ड्रॉप है या नहीं है, पहले उसको चेक करूंगा। देखिए दूसरा रंग में रखूंगा, ये ब्लैक प्रोडक्ट नेगेटिव और ये रेड प्लॉट नेगेटिव। देखिए अभी आ गया हमारा 17 वोल्ट, ये भी देखिए वोल्टेज अभी ड्रॉप नहीं हुआ। देखिए कनेक्शन मेरा हो गया रेडी और मेरा अभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है देखिए दोस्तों। तो मैं अभी उसको पूरा कंप्लीट वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई हो गया, पिन थोड़ा सा नीचे निकल गया, तो मैं उसको पहले काट दूंगा दोस्तों। देखिए काट दिया हूँ दोस्तों उसी को, ये जो सामने का आने वाला हमारा कनेक्टर है FFC बोलते हैं उसको, हो गया अभी कनेक्टिंग। और पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दिया, देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अभी उसी को करंट देने वाला हूँ, करंट दे दूँगा, करंट दे दिया हूँ। अभी इधर आने वाला है पावर, देखिए अभी हमारा पावर आ गया दोस्तों, देखिए पावर तो आ गया दोस्तों। उसके बाद डिस्प्ले क्योंकि ले नहीं आ रहा है अभी, फिर भी उसको देखना पड़ेगा हमको। देखिए दोस्तों बंद हो गया, ये पावर स्विच है देखिए, देखिए तो मैं अभी उसको फिर भी जो आगे क्योंकि लिए डिस्प्ले नहीं आया उसको भी मैं पहले देखूंगा, उसको आगे भी सेटिंग है दोस्तों, ये पहले उसको इंस्टॉल कर दूंगा वहाँ पे। जो नोट्स ये हमारा इनपुट में भी चलेगा, ऑडियो इनपुट में चलेगा,
तो दोस्तों मैं इतना करके जो था शटिंग तो हटा दिया दोस्तों। शटिंग हटाने के बाद देखिए ये जो हमारा डिस्प्ले भी आगे के पार्ट में देने वाला हूँ, क्योंकि लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई वीडियो होने से अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, इसीलिए मैं फिर भी जो सामने वाला है उसी को पार्ट 3 में बनाऊंगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो दोस्तों। कमेंट करने से मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं मेरा हौसला बढ़ेगा, काम करने के लिए मन करेगा, और ताकि आगे जो वीडियो आएगा वो अच्छा से अच्छा जानकारी देने के लिए मैं तैयार रहूँगा दोस्तों।